हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अस्तर वाले ब्लाउज़ में जेब लगाना सीखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है ब्लाउज़ का, जिसे मैंने कटोरी ब्लाउज़ पैटर्न में सिलकर रेडी कर लिया है। और ये हमारा योग पट्टी है, तो जिसे हमें ब्लाउज़ में अटैच करना है जेब के साथ। तो बटन पट्टी की साइड हमेशा जेब लगाया जाता है। तो यहाँ पर योग पट्टी के लिए मुझे अस्तर के दो पीस चाहिए और मेन फैब्रिक हमारा एक पीस रहेगा। तो अभी हम देखिए योग पट्टी का मेज़रमेंट देख लेते हैं। इस साइड से मुझे ये तैयार 2.25 इंच चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 2.75 इंच रखा है, 1 इंच एक्स्ट्रा है। और इस साइड से मुझे ये 2.75 इंच पर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 2.25 इंच रखा है। दोनों साइड से 1-1 इंच ज़्यादा रखना है। तो यहाँ पर देखिए एक योग पट्टी को हटा लेंगे हम और मेन फैब्रिक के नीचे एक योग पट्टी को रखकर यहाँ पर सभी साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो सभी तरफ से सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ जोड़ लेंगे। अब जो भी हमारा बचा हुआ कपड़ा है यहाँ पर, उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए योग पट्टी को सीधा रखना है, मेन फैब्रिक वाला, और एक पीस अस्तर का और बचा था उसे हमें इसके ऊपर रखना है और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन देकर यहाँ पर सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। तो अस्तर को पलट लेंगे और अस्तर के ऊपर यहाँ पर प्रेस सिलाई लगा लेना है। तो इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा ये। तो देखिए इस कपड़े में जो जिसमें हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों हैं, तो उसके ऊपर में यहाँ पर हमें पलटकर 2 सूत नीचे से सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। तो ये योग पट्टी अब तैयार हो गया है कटोरी ब्लाउज़ में जॉइंट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कटोरी का टक्स है उसे हमें सेंटर पॉइंट बनाना है और दोनों साइड से 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो टोटल हमारा जेब के लिए यहाँ पर 2.5 इंच छूट जाएगा इस तरीके से। तो देखिए योग पट्टी को हमें सीधा करके रखना है और ब्लाउज़ को इसके ऊपर सीधा रखेंगे और योग पट्टी का नोक हमें थोड़ा सा निकाल करके रखना है। और यहाँ पर देखिए कटोरी ब्लाउज का जो टक्स है उसे यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे और मार्जिन जो है यहाँ पर कटोरी का उसे सामने की साइड रखेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन देकर यहाँ पर सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। अब योग पट्टी को नीचे की साइड खोल लेंगे और ऊपर की साइड रखकर यहाँ पर योग पट्टी को हमें सिलाई लगा लेना है। तो जहाँ पर हमने मार्किंग किया है वहाँ पर इस तरीके से पक्का टाका लगा लेंगे। अब यहाँ पर फुट को उठाकर दूसरा जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर इस तरीके से पक्का टाका लगाकर अब पूरा सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए योग पट्टी मैंने जॉइंट कर दिया है। अब नीचे और ऊपर से धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमारा जेब अटैच हो चुका है। तो मुझे यहाँ पर कटोरी 2.25 इंच की चाहिए, तो मार्किंग करने के बाद सामने से बराबर कर लेंगे। और बटन पट्टी के लिए देखिए अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों चाहिए हमें, जिसे मैंने 2.5 इंच की चौड़ाई में रखा है। तो उसे हमें चेक कर लेना है लंबाई में। तो बटन पट्टी लगाने के लिए ब्लाउज को हमें उल्टा रखना है और 1/2 इंच नीचे की साइड कपड़े को बढ़ाकर रखना है। और यहाँ पर 1/2 इंच के मार्जिन में मैंने सिलाई लगा ली है। अब उसे सीधे की साइड देखिए इस तरीके से पलट लेंगे और नीचे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर ऊपर की साइड कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। तो बटन पट्टी की सिलाई इसी तरीके से की जाती है। तो यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेना है बटन पट्टी के ऊपर मजबूती के लिए। ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर बटन पट्टी लगा लिया है मैंने, ऊपर से यहाँ पर पाइपिंग लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है गले की साइड में। तो इस तरीके से बटन पट्टी लगाने के बाद जो हमारा योग पट्टी है वो यहाँ से सामने से पैक हो गया है। तो ये हमारा जेब के लिए होल है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ब्लाउज़ में जेब हमारा सिलकर तैयार हो गया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।